हाय गाइस एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस जनरल नॉलेज के बारे में। साइंस जनरल नॉलेज के माने लिटरेचर में साइंस यानी विज्ञान सामान्य ज्ञान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो ये टोटल क्वेश्चन होगा, टोटल पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होगा। जो हम लोग टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। उससे पहले बता दें, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर संबंधित है किससे संबंधित है। वो हम लोग का जो आरएच फैक्टर संबंधित होता है किससे संबंधित होता है, रक्त यानी ब्लड से संबंधित होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। आरबी फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, ये हम लोग हैं लैंडस्टीनर व वीनर होते हैं, ठीक है। लैंडस्टीनर व वीनर होते हैं किस चीज के, आरबी फैक्टर के खोजकर्ता होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रक्तचाप। जो रक्तचाप नियंत्रित होता है, कहाँ होता है, ये होता है एड्रिनल ग्लैंड से होता है, ठीक है। जो रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है कहाँ से किया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड से नियंत्रित किया जाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। रक्त शुद्ध करता है कौन करता है, जो हम लोग का शरीर में एक पार्ट होता है किडनी, वो क्या करता है, रक्त को फिल्टर करता है, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं, जो रक्त को शुद्धिकरण की क्रिया जो करता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं हम लोग डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, होता है हम लोग का किडनी में होता है, ठीक है, ब्रिक में होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। ब्रिक का भार होता है वो कितना होता है, वो होता है 150 ग्राम होता है, यानी 150 ग्राम होता है, किसका भार होता है, वो ब्रिक का भार होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी बनी होती है, जो मानव गुर्दे में जो पत्थरी होती है वो किस चीज की बनी होती है, वो बनी होती है हम लोग का कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। जो मानव गुर्दे में जो पत्थरी बनी होती है किस चीज की बनी होती है, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है रक्त क्षारी का पीएस मान होता है। देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट का जब पीएस मान का बात किया था तो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो होता है उसका पीएस मान का एक ठो पीएम क्या होता है, स्केल होता है, पैमाना होता है उसको मापने के। देखिए जब रक्त का जब पीएस मान जब 7 से कम हो तो क्या होता है, एसिड होता है, और जब 7 हो, एक्यूरेक्ट 7 होते क्या होता है, साल्ट होता है, और जब 7 से अधिक हो और 14 के बीच में होते क्या होता है, बेस होता है। फिर हम तीस में क्या होगा, जब रक्त क्षारी का पीएस मान होता है तो रक्त क्षारी का पीएस मान होता है कितना होता है, 7.4 होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। रक्त दाब जो मापने वाला यंत्र होता है किस यंत्र से रक्त दाब को मापा जाता है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा हम लोग का स्टेगनोमीटर से क्या किया जाता है, रक्त दाब को मापा जाता है। लेकिन कहा जाए रक्तचाप कितना होता है, वो होता है एक सौ बीस बटा कितना होता है अस्सी एम एम एच जी होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कौन किया था, वो किया था हम लोग का विलियम हार्वे किया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी कहलाती है। जो शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है हम लोग का वेंस कहलाती है, यानी शीरा कहलाती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, वो क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। लेकिन शरीर से जब हृदय की ओर ले जाने वाली क्या कहलाती है, वेंस यानी शीरा कहलाती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाले क्या होता है, वो होता है हम लोग का पेस मेकर होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जरावीक सेवन होता है क्या होता है, एक प्रकार का कृत्रिम हृदय होता है, यानी क्या होता है, कृत्रिम आर्टिफिशियल हार्ट होता है, क्या होता है, जरावीक सेवन होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है पीत क्या होता है, पीले हरे रंग का क्षारी होता है, ठीक है। पीत क्या होता है, पीले हरे रंग का क्षारी द्रव होता है। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। पीत
जो पीत होता है, पीत का पीएच मान होता है, पीत रस का पीएच मान होता है, जब ये क्षारी होता है तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, पीत रस स्रावित होता है, पीत रस स्रावित होता है किससे होता है, तो ये होगा हम लोग का यकृत से क्या होता है, पीत रस स्रावित होता है, यकृत द्वारा पीत रस स्रावित होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, यकृत होता है लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, जो यकृत लीवर के लिए भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या होता है, इसमें विटामिन ए होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो वाइल यानी पीत रस होता है, ठीक है, पीत होता है, पीत जमा होता है कहाँ होता है, जो पीत रस होता है कहाँ जमा होता है, हम लोग का पीताशय में जमा होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे होता है, जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे होता है, हम लोग का कुत्तों के काटने से क्या होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, विषाणु की खोज की थी, जो विषाणु होता है उसकी खोज की थी, सबसे पहले कौन किया था, विषाणु की खोज कौन किए थे, वो किए थे आपके इवानोव्स्की किए थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है हम लोग का वायरोलॉजी कहलाता है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, जंतुओं में होने वाली फ्रूट एंड माउथ रोग होता है, जंतुओं में होने वाले फ्रूट एंड माउथ रोग होता है किसके कारण होता है, वो होता है हम लोग का वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, वायरस के कारण होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, कवकों का अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है हम लोग का माइकोलॉजी कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, शैवालों में कोशिका भित्ति होती है वो किस की बनी होती है, जो शैवालों में कोशिका भित्ति होती है किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, जीवाणु की खोज कौन किए थे, जो जीवाणु के खोज किए थे वो किए थे लेमेनो हॉक ने किए थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, जो ध्वनि का वेग होता है सर्वाधिक होता है कहाँ होता है, ठोस में होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, ध्वनि की गति धीमी होती है, जो ध्वनि की गति क्या होती है, धीमी होती है, तो कहाँ धीमी होती है, जो हवा में होती है ध्वनि की गति धीमी होती है, लेकिन वही बात किया जाए ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा तेज किस में होती है, वो होती है हम लोग का लोहा में, जो ध्वनि होती है सबसे तेज होती है, ठीक है, ध्वनि की गति सबसे तेज लोहा में होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, ध्वनि की चाल होती है कितनी होती है, 760 मीटर प्रति घंटा होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है, 760 मीटर प्रति घंटा होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, वायु क्या है क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या है वायु क्या है वायु एक प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, वायु जो होता है उदाहरण है किसका उदाहरण, ये उदाहरण हम लोग का गैसों से गैसों में विलय क्या है, वायु उदाहरण है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, हवा में ध्वनि का वेग होता है, कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है क्या होती है, जो ध्वनि का मात्रा क्या होता है, वो होता है हम लोग का डेसिबल होता है, उसकी इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना होता है, वो होता है हम लोग का 14.4 होता है, ठीक है, 14.4 होता है, क्या हवा का वाष्प घनत्व होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है वो होता है हम लोग का दूरी का मात्रक होता है, क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्वेश्चन 14 है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो इसमें देखिए, इसमें 9.46 × 10^12 किलोमीटर के क्या होता है, बराबर होता है, चाहे या 9.46 × 10^15 मीटर के बराबर होता है, क्या एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, मनुष्यों में मेरुदंड ठीक है
मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में जो मेरुदंड होती है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, तंत्रिका निकलती है, तो कितनी निकलती है? निकलती है हम लोग का 31 निकलती है, 31 निकलती है। गुणसूत्र क्रोमोजोम की खोज कौन किए थे? जो गुणसूत्र का खोज किए थे वो कौन किए थे? वो किए थे हम लोग का वाल्डेयर ने किए थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है किससे होता है? वो होता है हम लोग को क्रोमेटिन नामक पदार्थ से हो जाता है। क्रोमेटिन एक नामक हम लोग गुणसूत्र पे क्या होता है, धागे लिपते हुए बने होते हैं, उसी से क्या होता है गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन से। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या होती है, मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या होती है कितनी होती है? अगर पेयर में बात किया जाए 23 होती है, अगर अनपेयर में बात किया जाए तो 46 होती है। लेकिन यही बात किया जाए तो जो मनुष्य में गुणसूत्र होती है वो दो प्रकार की गुणसूत्र होती है, एक तो सेक्सुअल गुणसूत्र होती है और एक तो काय गुणसूत्र होती है, यानी एक तो लैंगिक गुणसूत्र होती है और एक तो काय गुणसूत्र होती है। और काय गुणसूत्र होती है 22 होती है, 22 पेयर में होती है। और सेक्सुअल गुणसूत्र होती है वो कितना होती है, 1 पेयर होती है। मेल में जो होता है क्या होता है, XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, XX होता है सेक्सुअल गुणसूत्र। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है? वो होता है हम लोग का शेल होता है, कोशिका होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। सबसे छोटी जीविका कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होता है हम लोग का, माइकोप्लाज्मा होता है, सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। लेकिन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, वो होती है हम लोग का तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है क्या होता है, वो होता है हम लोग का न्यूरॉन होता, न्यूरॉन होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोशिका शब्द का निर्माण किया किसने किया था? वो किया था आपका रॉबर्ट हुक ने, किए थे किस सन में किए थे, 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज या कोशिका शब्द का निर्माण किया था किस सन में, 1665 ईस्वी में किया था रॉबर्ट हुक ने। फिर हम क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। कोशिका का अनुवंशिक पदार्थ है क्या, वो हम लोग का कोशिका का अनुवंशिक पदार्थ है, DNA नहीं रहेगा, मिस्टेक टाइप में होगा। जो कोशिका का अनुवंशिक पदार्थ होता है क्या होता है, DNA होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर DNA रहेगा, DNA नहीं रहेगा। फिर हम लोग क्वेश्चन ऑफ 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन 51, कोशिका का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, जो जीव विज्ञान का साइटोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान के साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, जो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है क्या होता है, वो होता है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। संसूत्री विभाजन होता है किसके द्वारा होता है, होता है हम लोग का काई कोशिकाओं में होता है, काई कोशिकाओं में क्या होता है, संसूत्री विभाजन होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होता है किसमें, लिंगिक जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। अस्तकंद चाहे धनकंद चाहे सकलकंद तथा परकंद का उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, यह हम लोग का क्रमशः आलू वंडा केसर प्याज तथा अदरक व हल्दी का क्या है, उदाहरण है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर परकंद का उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये हम लोग का क्रमशः जो आलू है, वंडा है, केसर है, प्याज है, आदि, अदरक व हल्दी है, किस चीज़ का उदाहरण है, यही उदाहरण हम लोग का शकरकंद, धनकंद और सकलकंद, अस्तकंद अच्छा है परकंद का उदाहरण है, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। अमरूद अंगूर शरीफ तथा टमाटर में मिक्के खाने योग्य भाग होता है, जो अमरूद अंगूर या शरीफा अच्छा टमाटर के जो खाने योग्य हम लोग उसके कौन से भाग को खाते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो उसके हम लोग कौन से भाग को खाते हैं, तो हम लोग खाते हैं फलवित्ती भाग को खाते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 है, आम पपीता तथा बेर
के खाने योग्य भाग है, आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है, क्या होता है वो होता है हम लोग का मध्य फल वृद्धि खाते हैं, जो आम हो गया, ठीक है, आम हो गया, पपीता हो गया, बकरे हो गया, बेर हो गया, बेर सॉरी बकरे नहीं बेर, बेर के खाने योग्य भाग क्या होता है मध्य फल भीति होता है, क्या होता है मध्य फल भीति होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, हम लोग फूल गोभी का कौन योग्य कौन भाग हम लोग खाते हैं, तो हम लोग खाते हैं पुष्पक्रम, जो हम लोग का पुष्प जो फूल गोभी होता है उसको हम लोग पुष्प वाले भाग को खाते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 है, हल्दी में पीले रंग का कारण है, हल्दी में पीले रंग का कारण है वो क्या है, कुरकुमी है, ठीक है, हल्दी में पीले रंग का कारण वो क्या होता है, कुरकुमीन होता है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, टमाटर में लाल रंग का कारण होता है, टमाटर में लाल रंग के कारण होता है, टमाटर किस के कारण लाल रंग होता है, तो होता है हम लोग का लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर लाल रंग होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है, अदरक या आलू के जो खाने योग्य भाग होता है क्या होता है, वो होता है हम लोग का तना होता है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, वो हम लोग का पाई जाती है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, किसमें, दूध में पाई जाती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, सबसे लंबा कृमि वर्म है क्या है, वो हम लोग का टेफ वर्म होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, कपड़ा सुखाने तथा दूध के मक्खन निकालने वाला मशीन कार्य करता है, क्या करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो करता है हम लोग अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या, कपड़ा सुखाने तथा दूध के मक्खन निकालने वाले जो मशीन होता है किस बल पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हम क्वेश्चन 65 देख लेते हैं, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, दूध से जब क्रीम निकाल दिया जाए तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है वो क्या होता है, 746 वाट होता है, एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, कितना होता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फिर हम क्वेश्चन